स्वागत है आपका हमारे चैनल कैच लाइव विद अस में। और आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आज कौन सा दिन है? आज फ्राइडे है और प्रियांक जा चुका है स्कूल। और प्रियांक के स्कूल जाने के बाद मैं पीती हूँ चाय, क्योंकि उससे पहले हबड़ तबड़ में नहीं पीती। तो अब मैंने चाय बना ली है, तो चलिए पीते हैं चाय और उसके बाद क्या करते हैं वो आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। आपके साथ क्या करते हैं, बने रहिए हमारे साथ, कुछ भी मतलब। देखिए ये देखिए चाय उबल रही है, मैंने बनने रख दी थी। इधर सब्जी बननी है, लौकी की सब्जी। अब मैं अपनी चाय छान लेती हूँ बढ़िया एकदम। और मम्मी पापा पी चुके हैं, अब हम पियेंगे चाय। तो सी साहब गए हैं प्रियांक को स्कूल छोड़ने, तो चलिए बने रहिए व्लॉग में। गाइस आप देख सकते हैं सी साहब रेडी हो रहे हैं ऑफिस के लिए। और वैसे आप ये सोचते होंगे कि ये जो लाल तेल रखा है ये किसके लिए है? ये मेरी मालूम ये लाल तेल वही, मतलब बस इसकी भी एक 5 साल पहले की 4 साल पहले की एक अलग ही कहानी है। और तब से ये बेचारा इस्तेमाल में नहीं आ पा रहा। आप सोच रही हूँ प्रियांक की करा करूँगी ना, माफ करो है ना। तो अब प्रियांक तो बेचारा स्कूल में पहुंच गया है और सी साहब रेडी हो रहे हैं। और अब मुझे ये जो धरती है ना, ये बुला रही है, करिए आ जा हो आ जा। तो अब मैं इस धरती के पास जा रही हूँ, इसको थोड़ा सा चमका दूँ, क्योंकि सुबह का तो यही रूटीन है ना। तो सब लोगों का यही रूटीन होता है, तेल गेल लो। आज मौसम बढ़िया हो रहा है, आप देख सकते हैं ये देखो तेल कैसे गिर रहा है। और मौसम बारिश वाला हो रहा है, बारिश हो नहीं रही पर हुई थी देखो इतनी इतनी सी हुई। हमारे पौधे दिखाओ। पौधे तो मैंने कल भी दिखा दिया, अब क्या बेचारे रोज पौधे ही देखेंगे। कुछ नया एडिशन तुम ऐड करोगे तब दिखाऊंगी, ठीक है। मौसम नज़ारा ऐसा है कुछ वेव सिटी का। चलिए तो अब मैं सफाई कर लूँ, सामने आंटी काम कर रही हैं। तो गाइज उसके बाद मैं पहुंच गई थी नीचे, और नीचे से ही स्टार्ट करती हूँ अधिकतर झाड़ू पहुंचा। तो नीचे झाड़ू लगा रही थी, यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है ना ये वाली जो हमारे सामने वाली वॉल है। तो बस झाड़ू लगा रही थी, अब इसके बाद नीचे सफाई करके फिर ऊपर लगाती हूँ। तो मैं जब यहाँ झाड़ू लगा रही थी ना, उसी टाइम में बारिश आने लग गई थी। तो मैंने अभी बाहर धोना स्टार्ट किया था, आप देखेंगे बाहर धोऊँगी। तो एक जिनका ये एरिया मतलब जिनके खेत थे, अब यहाँ पर घर बनने लगे, तो वो अम्मा ना यहाँ पे अभी भी घास काटने आती हैं, जबकि इतना महंगा उनका खेत जा रहा है। तो इसीलिए कहते हैं उड़ नहीं जाना चाहिए, पैसे मिले ना तो उड़ना नहीं चाहिए, उस धरती से जुड़े रहना चाहिए। तो अभी आप देखना वो आएंगी। मैं गेट खुला हुआ था, मैं धो रही थी तो बारिश आ गई, तो फिर उन्होंने देखा, जानती है मतलब, तो वो फिर अंदर आके बैठ गई थी, बात कर रही थी। ये देखो मम्मी भी बैठी हैं, वो भी बैठी हैं, और सी साहब वेट कर रहे हैं कि बारिश रुके तो मैं कैसे भी जाऊं हैं। फिर बारिश रुक नहीं रही थी, तो सी साहब ने डिसीजन लिया कि मैं ओला से जाऊंगा। ओला आ रही है तो इसीलिए सी साहब ओला बुक कर रहे हैं। और अभी ये देखो दिखा रहे हैं ना, 2 मिनट की दूरी पर हैं। तो फिर सी साहब ओला से जाने के लिए, ओला आ गई, निकल गए। बारिश हो रही है, पता नहीं चल रही, पर मतलब ऐसी थी बारिश कि अगर बाइक से जाते ना तो भीग जाते, और साथ में था लैपटॉप, तो लैपटॉप के साथ तो वही सी साहब ने कर दिया बाय आ गई। और अब सी साहब बस निकल लेंगे और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी प्रियांक के स्कूल जाऊंगी। मैं बहुत जल्दी जल्दी तैयार हुई हूँ काम करके, बहुत जल्दी जल्दी तैयार हुई। और बस बारिश तो आप देख सकते हैं अभी भी हो रही है, दिख रही होगी ना। और तो इसीलिए मैं जल्दी जा रही हूँ, क्योंकि प्रियांक स्कूल गया हुआ है और बीच में मैं थोड़ा सा टाइम ले पाऊँ जिसमें मैं प्रियांक को स्कूल से घर छोड़ जाऊँ, क्योंकि गाड़ी से फिर वो भीगेगा नहीं, वरना तो बीमार होने का चांस रहेगा, आने में भीग जाएगा बाइक पे पापा के साथ। इसीलिए बहुत जल्दी है, तो अब फटाफट से मैं जाती हूँ पेशेंट के पास, एक पेशेंट लेके वापस आऊँगी प्रियांक को लेने के लिए। चलो
लो चलो। हाय गाइस, प्रियांक स्कूल से आ चुका है और प्रियांक को मैंने क्या दिया है, प्रियांक की फेवरेट टॉफीज जो प्रियांक के स्कूल की कैंटीन में मिलती है और मैंने वो पहले ही ले ली थी और प्रियांक को दी, तो उससे प्रियांक बहुत ज्यादा खुश हो गया है। और अब प्रियांक बताएगा स्कूल में क्या पढ़ाई हुई। ABCD में मिसिंग लेटर हुए थे, अल्फाबेट्स हुए थे, है ना प्रियांक, और मिसिंग नंबर हुए थे और मिसिंग अल्फाबेट्स हुए थे, उसको अल्फाबेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम जा रहे हैं घर पे, घर पे मिलता है प्रियांक, ठीक है, घर पे मिलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर और प्रियांक को घर पे छोड़ेंगे, उसके बाद जाएंगे पेशेंट देखने। बारिश तो रुक गई है पर कोई बात नहीं, अब हमें आई गई थी, जल्दी चली गई थी, तो इसलिए मैंने प्रियांक को पिक कर लिया स्कूल से। प्रियांक खुश हो जाता है जब मम्मा लेने आती है ना। चलिए तो गाइस, घर आते ही हमें मम्मी मिली है पूजा करती हुई, और ये देखिए माला जपी जा रही है, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, और ये हमारे जुगल जोड़ी जी हैं, और ये नहा धो के पगड़ी लगा के रेडी हो गए हैं, और ये छोटे वाले भी हैं इधर, है ना। अब ये पूजा हो रही है और प्रियांक कह रहा था स्टार्ट करो, कर दिया स्टार्ट, बोलो बोलो, तुम ही तो कह रहे थे स्टार्ट करने को। मैं घर में उसी सीधा कहता है स्टार्ट करो, मैंने कहा क्या स्टार्ट करो, इसी में रखो, नहीं पापा ऊपर से ना, फिर ये प्रियांक की साइकिल आ गई है नीचे और साइकिल चलाने, और प्रियांक ने मुझे दिखाया है एक बहुत ही खतरनाक टिड्डा, देखो इसके बिल्कुल पास जाते हैं, देख लो इसका कलरफुल देखो कितना है, बताओ जरा, इतना तो कलर हम भर भी नहीं पाएंगे जितना प्रकृति भर देती है सब चीज़ों में, इतना खतरनाक लग रहा है। और बैठा है गेट पे और प्रियांक उधर साइकिल चलाने में व्यस्त। मैं आई थी किसी काम से और जैसा कि आज सुबह आपने देखा था सीए साहब ओला से गए थे, तो अभी सीए साहब मुझे यहाँ मिल रहे हैं और मैं सीए साहब को पिक करूंगी। तो बस मैं पहुंच गई हूँ सीए साहब तक, अभी देखते हैं कहाँ हैं, मुझे दिख भी नहीं रहे। तो गाइस सीए साहब को बिठा लिया है गाड़ी में और थमा दी अपनी चेन, चेन उतारी थी मैंने। और सीए साहब ये क्या ले आए हैं? पापा के लिए टी शर्ट, पापा के लिए टी शर्ट ले आए हैं। और बस अब मैंने सीए साहब को पिक कर लिया, अब हम जाएंगे घर, सीए साहब का भी काम हो गया, हमारा भी काम हो गया, अब रात भी हो गई है, तो रात को तो पंक्षी कहाँ जाता है अपने घोंसले में, घोंसले तो जल्दी चलो, अब घोंसले में जा रहे हैं हम, तो फोन रख दो, तो नहीं अब बस अब व्लॉग खत्म ही कर देते हैं, है ना। वो मैं ये कह रही थी कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा वो बताइएगा, और मतलब कमेंट करा करिए थोड़े थोड़े ना, थोड़ा आइडिया मिलता है। मैं भी खत्म कर रही हूँ यार, मैं कुछ नहीं कर रही, मेरी निगाह उधर ही रहती है, मुझे पता है सब लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं दो चार, वो मुझे अगर यही कमेंट कर सकते हैं कि भाई ड्राइव करते टाइम फोन मत चलाया करो, व्लॉगिंग मत करा करो, ये भी कमेंट कर सकते हो आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।